मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर सेवेंथ को फॉलो कर रहे हैं, मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार, ह्यूमन ऑक्यूपेशन मेजर टाइप। तो उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो सेवा क्षेत्र, या जिसे हम कहें सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। देखिए, हम लोग इस चैप्टर में एक्चुअल में मानव व्यवसायों का वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं। और जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमने देखा कि पिछले दो वीडियोस में हमने प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय यानी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ा, स्टडी करी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैसे तो तृतीयक व्यवसाय है, टर्शियरी ऑक्यूपेशन है, लेकिन जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था वो हमने देखा था कि बिल्कुल प्राइमरी लेवल का था। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो था, जिसको कि हमने सेकेंडरी ऑक्यूपेशन को बिल्कुल अलग तरह से दिया, उसको विनिर्माण उद्योग हमने कहा, है ना। सेकेंडरी जो ऑक्यूपेशन था या जो द्वितीयक व्यवसाय था उसको हमने विनिर्माण उद्योग का नाम दिया, है ना। वहाँ पर जो है प्रोडक्ट जो है वो डेवलप हो रहे थे, मूर्त रूप से वस्तुओं का निर्माण हो रहा था, एक्चुअल जो है सम प्रोडक्ट्स का जो है प्रोडक्शन वहाँ पर हो रहा था। अब हम जो आगे बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं उस विनिर्माण उद्योग की बजाय, जहाँ पर हमने देखा था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, है ना, उसकी बजाय जो है इंडस्ट्रीज, है ना, वहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज की बात करी थी बड़ी बड़ी, ठीक है। तो वो एक तरह से विनिर्माण उद्योग या इंडस्ट्रीज पर बेस्ड ऑक्यूपेशन था। अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर की। देखिए, सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर थ्री टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन आते हैं, तीन तरह के जो है मानव व्यवसाय आते हैं। पहला है तृतीयक व्यवसाय, जिसे हम टर्शियरी ऑक्यूपेशन कहते हैं। दूसरा है चतुर्थक व्यवसाय, जिसे हम क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन कहते हैं। तीसरा है पंचम व्यवसाय, जिसे हम पेंटेनरी ऑक्यूपेशन कहते हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में भी एक बार आपको कहा था कि कई बार ऐसा होता है, कई जो अर्थशास्त्री कह लें, हम लोग भूगोलवेत्ता कह लें, वो लोग जो है कई बार चतुर्थक और पंचम यानी क्वार्टरनरी और पेंटेनरी जो ऑक्यूपेशन है उनको जो है टर्शरी ऑक्यूपेशन का ही पार्ट मान लेते हैं, और एक सिंगुलर टर्शरी ऑक्यूपेशन होता है मेन, वो कह देते हैं भाई एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है और एक टर्शरी ऑक्यूपेशन है, इस तरह का वो डिवीजन कर देते हैं, इस तरह का क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन अभी हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल अलग पढ़ रहे हैं, और उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर के तीन पार्ट करे, जिसमें हमने देखा तृतीयक, टर्शरी, चतुर्थक क्वार्टरनरी और पंचम पेंटेनरी जो ऑक्यूपेशन है, ये जो व्यवसाय है ये इसके अंतर्गत आते हैं। आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे केवल टर्शरी ऑक्यूपेशन की, या जिसे हम कहेंगे तृतीयक व्यवसाय की। देखिए, तृतीयक व्यवसाय क्या है, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा सेवा क्षेत्र को। सेवा क्षेत्र क्या है, सेवा क्षेत्र का मतलब है कि यहां पर जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि किसी वस्तु का मूर्त रूप से उत्पादन नहीं हो रहा है, है ना, किसी प्रोडक्ट का, किसी थिंग का एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहां पर जो है सेवाएं प्रदान करी जा रही हैं, यहां पर सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, सेवाएं दी जा रही हैं, और उन सेवाओं के बदले धन की प्राप्ति की जा रही है, उन सेवाओं के बदले पैसा या वेतन की प्राप्ति करी जाती है। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि यहां पर किसी प्रोडक्ट का, थिंग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बजाय यहां पर सर्विसेज या सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, सर्विसेज या सेवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम बात करते हैं इसमें तृतीयक व्यवसाय की। अब तृतीयक व्यवसाय किसे कहते हैं, तो समुदायों को
दी जाने वाली व्यक्तिगत व व्यवसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं सम्मिलित है इसके अंतर्गत, या प्रत्यक्ष सेवाएं जो है उसको हम तृतीयक व्यवसाय कहते हैं। देखिए, समुदायों को यानी सोसाइटी को, समाज को दी जाने वाली व्यक्तिगत है ना वो व्यवसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं। आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा कि व्यक्तिगत व व्यवसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं, यानी यहां पर जो सर्विसेज अवेलेबल कराई जा रही है, यहां पर जो सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है वो डायरेक्टली लोगों को अवेलेबल कराई जा रही है, प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई जा रही है, और यहां पर जो है सेवा प्रदाता जो है वो सेवा प्राप्तकर्ता के डायरेक्ट लिंक में है। जो सेवा प्रदान करने वाला है और जो सेवा प्राप्त करने वाला है वो एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से मिले हुए एक दूसरे को सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यानी इसको कहेंगे दीज ऑक्यूपेशन इंक्लूड पर्सनल एंड कमर्शियल डायरेक्ट सर्विसेज टू कम्युनिटीज। कम्युनिटीज को क्या कर रहे हैं, पर्सनल एंड कमर्शियल बेसिस पर डायरेक्ट सर्विसेज है ना, डायरेक्ट सर्विसेज यानी प्रत्यक्ष सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, डायरेक्ट सर्विसेज जो है वो अवेलेबल करा रहे हैं। तो तृतीयक व्यवसाय में ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि जो सर्विसेज अवेलेबल कराई जा रही हैं, जो सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं वो डायरेक्ट कराई जा रही है। डायरेक्ट का मतलब है जो सर्विस प्रोवाइडर है वो और जो सर्विस लेने वाला है दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यानी जो सेवा प्रदाता है और जो सेवा प्राप्त करने वाला है वो एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं, सीधे कनेक्टेड हैं। ये चीज हमको ध्यान रखनी होगी। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाता है कि प्राथमिक व द्वितीयक व्यवसायों को जोड़ने वाली जो गतिविधियां हैं उसको जो है तृतीयक व्यवसाय या टर्शियरी ऑक्यूपेशन कहते हैं। कि भाई वो एक्टिविटीज जो क्या करती हैं, वो एक्टिविटीज जो प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन को क्या करती हैं, एक साथ जोड़ती हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, तृतीयक व्यवसाय का नाम देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज को जो है तो सॉरी जो ऑक्यूपेशन है उसको ये सपोर्ट अवेलेबल कराती हैं डेवलप होने के लिए, या उन वर्क्स को कंटिन्यू करने के लिए ये पूरा का पूरा सपोर्ट अवेलेबल कराती हैं। तो इस तरह की बात यहाँ पर करी जाती है। देखिए, ये जो पूरा का पूरा वर्क है, जो तृतीयक व्यवसाय, जो टर्शियरी ऑक्यूपेशन है, इस ऑक्यूपेशन को करने के लिए हमें कुछ विशेष योग्यताधारी लोग चाहिए। देखिए, हमने देखा था प्राथमिक व्यवसाय या प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है उसके लिए हमें कोई विशेष योग्यताधारी लोग नहीं चाहिए थे, है ना, कोई स्पेशल नॉलेज वाले लोग नहीं चाहिए थे। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में भी हम देखें, द्वितीयक व्यवसाय में भी देखें, हाँ कुछ स्किल्ड लेबर हमें चाहिए होता है, हमने देखा था स्किल्ड लेबर भी चाहिए, अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए होता है, लेकिन वहाँ लेबर चाहिए होता है ना। यानी हमें ये कह सकते हैं कि दोनों ही तरह के श्रम की वहाँ पर आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर तृतीयक व्यवसाय में या टर्शियरी ऑक्यूपेशन में हमें थ्री टाइप ऑफ लोग चाहिए होते, थ्री टाइप ऑफ पर्सन हमारे पास होने चाहिए, तीन तरह के लोग जो है ये सेवाएं प्रदान करते हैं। कौन कौन से तीन तरह के लोग सेवाएं प्रदान करते हैं वो हम देखते हैं। पहला है कुशल श्रमिक, है ना, स्किल्ड वर्कर्स। यानी या देखिए, वहां पर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आपको वर्कर्स चाहिए होते थे, जरूरी नहीं है स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों चलते थे। यहां पर जो वर्कर चाहिए वो आपको स्किल्ड वर्कर ही चाहिए। अनस्किल्ड वर्कर का टर्शियरी ऑक्यूपेशन में, तृतीयक व्यवसाय में, सर्विस सेक्टर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्कर है वो सर्विसेज अवेलेबल करा रहा है, इसीलिए वो जो सर्विस अवेलेबल करा रहा है उस सर्विस से रिलेटेड उसके पास नॉलेज, उसके पास में स्किल होना जरूरी है। अगर स्किल ही नहीं होगी तो वो सर्विस अवेलेबल नहीं करा पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में स्किल्ड वर्कर पहली चीज हमने देखी। अब स्किल्ड वर्कर कौन से हो गए, जिनकी स्किल है, जिनको कोई काम आता है, जो कुछ सीखे हुए हैं, कुशल श्रमिक है, माली, धोबी, नाई, नलसाज, इलेक्ट्रीशियन, है ना। माली क्या हो गया हमारा, जो गार्डनर आता है वो हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर अपने जो बारबर होता है उसकी बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन की हम लोग बात कर सकते हैं, प्लम्बर्स आ जाते हैं। तो ये सारे जो है
स्किल्ड वर्कर्स या स्किल्ड लेबर की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। दूसरा आता है प्रशिक्षित विशेषज्ञ। क्या आता है? प्रशिक्षित विशेषज्ञ, ट्रेंड एक्सपर्ट, जो अपनी फील्ड के ट्रेंड हो, पूरी तरह से ट्रेंड होने चाहिए। तो इनमें कौन कौन लोग आ जाते हैं? जैसे इंजीनियर ट्रेंड होते हैं बिल्कुल, डॉक्टर्स ट्रेंड होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स अपने वर्क के लिए पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं, टीचर, शिक्षक, ये भी बिल्कुल ट्रेंड होता है। भाई अनट्रेंड तो होता ही नहीं है, टीचर्स को भी ट्रेनिंग लेनी होती है टीचिंग वर्क करने के लिए। तो ये जो ट्रेंड पर्सन होते हैं, जो सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं, जो सोसाइटी को, कम्युनिटी को, समाज को सेवाएं प्रदान करते हैं, सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं परामर्शदाता, कंसल्टेंट्स की। कंसल्टेंट्स या परामर्शदाता जो कई तरह के हमें परामर्श उपलब्ध कराते हैं अलग अलग क्षेत्रों से रिलेटेड। जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पर वकील की, एक एडवोकेट की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, जो हमें क्या करते हैं, परामर्श उपलब्ध कराता है। इसी तरह के बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, CA होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब आप इसमें फिर देखेंगे कि ये जो लोग हैं जो एक्चुअल में तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत कार्यरत हैं, जो टर्शियरी ऑक्यूपेशन में अपना वर्क कर रहे हैं, ये लोग भी दो तरह से डिवाइड हो जाते हैं। कैसे डिवाइड हो जाते हैं कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो कुशल श्रमिक, जो स्किल्ड वर्कर हैं, वो क्योंकि उनका काम कैसा है, उनका काम है शारीरिक श्रम वाला। वो जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें उनको क्या हो रहा है, फिजिकल वर्क करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? फिजिकल वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो फिजिकल वर्क करने के कारण उनको कोई ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। तो ये वर्क कैसा हो गया, एक लो लेवल वर्क है ना, ये वाला क्या होगा, ये लोग क्या कहलाएंगे, लो लेवल वर्कर्स कहलाएंगे, लो लेवल वर्कर्स कहलाएंगे। और लो लेवल वर्कर्स का मतलब हो गया, हम लोग कह सकते हैं इन्हें निचले स्तर के है ना, या निचले स्तर के कर्मचारी, ठीक है, लो लेवल वर्कर्स, ठीक है। वहीं जो प्रशिक्षित विशेषज्ञ हैं, ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं या परामर्शदाता है, कंसल्टेंट्स हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, मानसिक श्रम कर रहे हैं। यहां पर ये क्या कर रहे हैं, मेंटल वर्किंग कर रहे हैं, है ना। तो मेंटल वर्किंग जब ये लोग कर रहे हैं तो ये लोग क्या कहलाएंगे, हाई लेवल वर्कर्स होंगे ये लोग, है ना, हाई लेवल पर वर्क करने वाले, यानी उच्च स्तरीय जो है कार्य करने वाले या उच्च स्तरीय कार्यरत लोग जो होंगे, ये कौन आएंगे, होंगे यहाँ पर अपने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टीचर्स, लेक्चरर्स, हमारे एडवोकेट्स, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं CAs की, हम टैक्स कंसल्टेंट की बात कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो इसके अंतर्गत, इसके अंदर जो है वो आते हैं। तो ये चीज हम देखते हैं कि इस तरह के प्रशिक्षित विशेषक, ट्रेन्ड एक्सपर्ट, कंसल्टेंट और स्किल्ड वर्कर जो हैं, वो जो है पूरी तरह से सारे वर्क्स का, तृतीयक व्यवसाय में सभी कार्यों का कुशल निष्पादन करते हैं। यानी कि क्या करते हैं, जो टर्शियरी ऑक्यूपेशन में उसमें होल वर्क को ये कंप्लीट करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स कहलाते हैं, जो कि सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई जो हमारा तृतीयक व्यवसाय है, उस तृतीयक व्यवसाय में जो है कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, यानी टर्शियरी ऑक्यूपेशन में कौन कौन से ऑक्यूपेशन आते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि टर्शियरी ऑक्यूपेशन में कौन कौन से ऑक्यूपेशन आते हैं, यानी तृतीयक व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, तो उसके लिए हमें पहले एक चीज समझनी होती है। वो क्या समझना होता है कि तृतीयक व्यवसाय में दो तरह के कार्य होते हैं। दो तरह के कार्य कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है उत्पादन, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन, और दूसरा कार्य होता है विनिमय, जिसको कि हम कहते हैं एक्सचेंज। तो दो तरह के कार्य हो रहे हैं किसके अंदर, तृतीयक व्यवसाय के अंदर या टर्शियरी ऑक्यूपेशन के अंदर, जिसमें एक कार्य को हम कह रहे हैं उत्पादन या प्रोडक्शन और दूसरे को कह रहे हैं विनिमय या एक्सचेंज। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जो हमने प्रोडक्शन से रिलेटेड बात करी, यहां पर जो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन
किसी प्रोडक्ट का नहीं है, किसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं है। यहां पर जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, यहां पर जो उत्पादन किया जा रहा है, ये असल में सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, सर्विसेज का प्रोडक्शन यहां पर किया जा रहा है, और उसके बदले सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो हमें सर्विस का प्रोडक्शन करके देते हैं, मतलब हमें सर्विस अवेलेबल कराते हैं, और उसके बदले क्या करते हैं, हम लोग उनको वेतन देते हैं, सैलरी देते हैं, या जो भी उनका मानदेय होता है, जो भी उनका स्टाइफंड होता है वो उनको दिया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्चुअल में किसका हो रहा है, सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, और वो सर्विसेज हम लेते हैं, सर्विस प्रोवाइडर से हम लोग लेते हैं, उन सर्विसेज का यूज करते हैं, उनका सेवाओं का हम लोग उपभोग करते हैं, और सेवाओं का उपभोग करके उसके बदले में हम क्या करते हैं, उनको वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, या फिर जो मानदेय होता है, जो भी उनका पैसा होता है वो उनको दिया जाता है। दूसरी हम बात करते हैं विनिमय या एक्सचेंज की, जहां पर क्या होता है, जहां पर आदान प्रदान होता है चीजों का, है ना, चाहे वो सेवाओं का आदान प्रदान हो, चाहे वो आप ये कह सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान हो, चाहे आप कहें कि सूचनाओं का आदान प्रदान हो, या हम कहें वस्तुओं का आदान प्रदान हो। तो यहां पर केवल एक्सचेंज होता है, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता, वस्तुओं का आदान प्रदान या सेवाओं का आदान प्रदान या चीजों का विनिमय किया जाता है। तो अब हम समझते हैं, तो आप ये चीज बहुत अच्छे से समझे कि भाई जो है तृतीयक व्यवसाय जो है उसके अंदर दो तरह की एक्टिविटीज होती है, दो तरह के कार्य निष्पादित होते हैं, पहला है उत्पादन या प्रोडक्शन, या दूसरा है विनिमय, और जिसको हम एक्सचेंज भी कहते हैं। अब देखिए, अब हम मुद्दे पर चलते हैं कि भाई जो तृतीयक व्यवसाय है, जो टर्शियरी ऑक्यूपेशन है, वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से व्यवसाय जो है वो तृतीयक व्यवसायों के अंतर्गत आते हैं या टर्शियरी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आते हैं। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे आता है, सबसे पहले आता है परिवहन, यानी जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है व्यापार व वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, तीसरा आता है संचार कम्युनिकेशन, और चौथा आता है सेवाएं, या जिसे हम कहते हैं सर्विसेज। इस तरह से चार ऐसे जो है ऑक्यूपेशन है, चार ऐसे व्यवसाय हैं जो कि तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, परिवहन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, वैसे तो हम इसको बहुत अच्छे से गहनता के साथ में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि भाई तृतीयक क्षेत्र में जो है कौन कौन से अलग अलग उद्योग आते हैं या अलग अलग व्यवसाय आते हैं, उसका हम लोग जो गहन अध्ययन है वो आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, लेकिन बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर आता है परिवहन। परिवहन के माध्यम से क्या होता है, हम जानते हैं वस्तुओं का और व्यक्तियों का आदान प्रदान यहाँ पर होता है। तो ये क्या कर रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, विनिमय हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ये चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब ये परिवहन जो है वो कितने प्रकार का होता है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना, या बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि भाई परिवहन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो परिवहन जो है एक तो होता है स्थल मार्ग पर, ठीक है ना, और दूसरा होता है जल मार्ग, है ना, यानी हम लोग कह सकते हैं लैंड बेस्ड हो गया, और एक क्या होगा, वाटर बेस्ड हो गया, है ना। जब हम लैंड बेस्ड की बात करते हैं तो उसमें हमारा ज़्यादा रेल परिवहन आ जाता है, सड़क परिवहन आ जाता है, ठीक है, और क्या आ जाएगा, अच्छा एक चीज़ तो भूल ही गए हम लोग, वायु परिवहन की तो बात ही करना भूल गए, वायु परिवहन, ठीक है, जिसे हम एयर ट्रांसपोर्टेशन का नाम देते हैं। तो स्थल मार्ग में जो है सड़क आ गई और रेल आ गई, ठीक है, जल मार्ग में हम लोग देखते हैं दोनों तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यानी नेशनल और इंटरनेशनल जो है जलमार्ग आ जाते हैं, ठीक है ना, वाटरवेज आ जाते हैं। इसी तरह वायु परिवहन की बात करें तो वहां पर भी हम देखते हैं कि नेशनल यानी राष्ट्रीय और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय जो है हमें
जो है वायु मार्ग भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं किसको, परिवहन को, है ना, जो कि हमें सुविधा देता है। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा बिंदु आता है वो आता है व्यापार वाणिज्य यानी ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को का आदान प्रदान ही तो करते हैं, ठीक है, पैसे दे के करते हैं या तो, या वस्तु विनिमय के माध्यम से करते हैं, तो व्यापार व वाणिज्य आ जाता है। व्यापार और वाणिज्य की बात करते हैं तो ये भी मुख्यतः दो तरह के हम लोग देखते हैं। पहला हम क्या देखते हैं, थोक व्यापारी, ठीक है, थोक व्यापारी या जिसे हम कहते हैं होलसेलर, ठीक है ना। पहले तो हम क्या कहते हैं, थोक व्यापारी या होलसेलर, जिसके पास पूरा माल होता है, जो कि क्या करता है, पूरा माल को कंपनी से लेकर जो प्रोडक्शन हाउस है उससे लेकर इकट्ठा करके रखता है, और फिर जो है छोटे जो खुदरा दुकानदार होते हैं जिन्हें हम फुटकर दुकानदार भी कहते हैं, है ना, कि क्या कहेंगे, खुदरा या फुटकर दुकानदार जो होते हैं उनको देते हैं, जिसे हम कहते हैं रिटेल, रिटेल जो शॉपकीपर्स होते हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, या थोक व्यापारी यानी होलसेल बिजनेस की बात कर लेते हैं, खुदरा या फुटकर या रिटेल बिजनेस की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब थोक व्यापार है तो इसको और ज़्यादा हम लोग करें तो ग्रामीण, और मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, मैं वैसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि थोक व्यापार जो है उसको ग्रामीण और शहरी यानी रूरल होलसेलर और अर्बन होलसेलर दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। इसी तरह से जो खुदरा व्यापार है, जो रिटेल है, उसको भी हम लोग रूरल और अर्बन, है ना, नगरीय फुटकर व्यापारी और शहरी फुटकर व्यापारी दो में हम लोग इसको बांट सकते हैं। और फिर इसमें और ज़्यादा आप देखेंगे, आपके एक चार्ट दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि लोकल लेवल के जो व्यापारी होते हैं वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। इसी तरह से हम लोग लास्ट बात करते हैं जहाँ पर, देखिए यहाँ पर लोगों और माल का आदान प्रदान हो रहा था, है ना, यानी पर्संस और क्या हो रहा था, जो माल था, जो प्रोडक्ट था, उसका विनिमय हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ पर भी वस्तुओं का एक्सचेंज हो रहा था, है ना। अब यहाँ पर संचार, यहाँ पर क्या होगा, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है संचार के माध्यम से या कम्युनिकेशन के माध्यम से, कम्युनिकेशंस के थ्रू क्या हो रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। तो जब हम संचार की बात करते हैं तो संचार के साधनों की भी हम बात करें, ठीक है, तो वो भी आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से, टेलीफोन की बात कर लें, मोबाइल फ़ोन की बात करें, इंटरनेट की बात करें, टीवी की बात करें, न्यूज़पेपर्स की बात करें, मैगजीन्स की हम लोग बात करें, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, संचार या कम्युनिकेशन के माध्यम है, जो अलग अलग लेवल पर हम लोगों को दिखाई देते हैं, जो आप इसमें बुक में आपके एक चार्ट दिया हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो इसके साथ चौथा जो आता है, जो फोर्थ पॉइंट आता है, वो आता है सेवाएं, या जिसको हम कहते हैं सर्विसेज, जो कहा गया कि भाई जो है, मैंने जैसा बताया कि भाई चार जो व्यवसाय या चार जो ऑक्यूपेशन टर्शरी ऑक्यूपेशन के अंदर आते हैं, उनमें जो चौथा है वो सेवाएं हैं, सर्विसेज है, जिसको कि हम कहते हैं ज्ञान आधारित सेवाएं, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान आधारित सेवाएं। ये जो ज्ञान आधारित सेवाएं होती है जिनको हम कहते हैं नॉलेज बेस्ड सर्विसेज, ये नॉलेज बेस्ड सर्विसेज में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो ये प्रोडक्शन के अंदर आ रही हैं, यहाँ पर सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, और सर्विस प्रोवाइड करा के क्या किया जाता है, कार्य के बदले भुगतान प्राप्त किया जाता है, यानी सर्विस प्रोवाइड करा के पेमेंट रिसीव्ड किया जाता है। क्या करेंगे हम, सर्विस प्रोवाइडर है कोई भी, वो सर्विस प्रोवाइड कराएगा, और जो सर्विस का यूजर है, जो सर्विस का प्रयोग करने वाला है, वो उसके बदले उसको भुगतान करेगा, उसके बदले उसको पेमेंट करेगा। अब इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, इसके अंदर बैंक आ जाता है, बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, बीमा इंश्योरेंस जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस की,
मनोरंजन अम्यूजमेंट जो है वो भी एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप मजे करते हैं और उसके बदले आप भाई आप एक अम्यूजमेंट पार्क में गए, एक मनोरंजन पार्क में गए, वहां जाके आपने झूले झूले और खूब आनंद लिया और उसके बदले आपने झूले झूलने का उनको भुगतान कर दिया, पैसा दे दिया, तो ये क्या हुआ, एक सेवा ही हुई है ना। इसी तरह पर्यटन टूरिज्म, आप कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो उसका खर्चा होता है आपका और वो आप भुगतान के रूप में देते हैं और पर्यटन का आनंद लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक्चुअल में प्रोडक्शन में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हुआ, यहाँ पर एक्चुअल में आपने जो सर्विस आपने यूज करी, जो सेवाएं आपने प्राप्त करी, उसका आपने भुगतान कर दिया। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे के पूरे टर्शरी ऑक्यूपेशन को या तृतीयक व्यवसाय को देखते हैं। यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि जो तृतीयक व्यवसाय है वहां उसमें जो कार्य करने वाले लोग हैं तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत, उनको हम कहते हैं पिंक कॉलर वर्कर्स। ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पिंक कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं। हमने देखा था कि सबसे पहले जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में कार्यरत लोग थे उनको हमने कहा था, प्राथमिक व्यवसाय में जो कार्यरत लोग थे उनको हमने रेड कॉलर जॉब कहा था, फिर उसके बाद में जो सेकेंडरी थे उनको ब्लू कॉलर जॉब कहा था और यहाँ पर ही आ गए पिंक कॉलर वर्कर्स। एक चीज और हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपसे पूछा जाए या अगर हम लोग बात करें कि भाई जो सेवा क्षेत्र है ना, पूरा मैं बात कर रहा हूँ पूरे सेवा क्षेत्र की, पूरे सर्विस सेक्टर की, ये जो पूरा सेवा क्षेत्र है ये आपको कहाँ पर विकसित मिले या किन देशों में, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी विकसित देश है, विकसित देश का मतलब हो गया डेवलप्ड कंट्रीज जितने भी हैं, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज में आपको सेवा क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड मिलेगा। जो सर्विस सेक्टर है वो आपको सबसे ज्यादा जो डेवलप मिलेगा वो सेवा क्षेत्र, वो आपको विकसित देश या डेवलप्ड कंट्रीज में मिलेगा। और जो विकासशील देश है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो अभी आपको जो बिल्कुल अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी बात करें वहां पर तो आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशन सबसे ज्यादा मिलेगा, प्राथमिक व्यवसाय मिलेगा, जो पूरी तरह से अविकसित देश हैं। जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर आपको प्राथमिक और द्वितीयक दोनों मिलेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मिलेंगे, टर्शियरी भी आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो सबसे ज्यादा विकास हुआ है वो आपको विकसित देशों में सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र मिलेगा, जिसका ही एक भाग तृतीयक व्यवसाय या टर्शरी ऑक्यूपेशन हम लोगों ने पढ़ा। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक ऐसा व्यवसाय है, तृतीयक व्यवसाय या टर्शरी ऑक्यूपेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कि हमें प्रत्यक्ष सेवाएं उपलब्ध कराता है, जो कि हमें डायरेक्ट सर्विसेज अवेलेबल कराता है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि प्रत्यक्ष सेवाएं या डायरेक्ट सर्विसेज अपने को अवेलेबल कराता है, ठीक है। यहां पर तीन तरह के लोग वर्क करते हैं। पहला हमने देखा कुशल श्रमिक, स्किल्ड वर्कर, प्रशिक्षित विशेषज्ञ, ट्रेंड एक्सपर्ट और परामर्शदाता कंसल्टेंट। और यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं दो तरीके से हो रहे हैं, एक तो रहा उत्पादन जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन, दूसरा हो रहा है विनिमय जिसे कहते हैं एक्सचेंज। और जो व्यवसाय इसके अंतर्गत आते हैं, जो चार मुख्य व्यवसाय इसके अंतर्गत आते हैं, उसमें पहला आता है परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा व्यापार व वाणिज्य ट्रेड एंड कॉमर्स, तीसरा संचार या कम्युनिकेशन, और चौथा जो आता है वो आता है ज्ञान आधारित सेवाएं या नॉलेज बेस्ड सर्विसेज, बेसिकली इसको सेवाएं या सर्विसेज कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। प्रयास करते रहिए, चलते रहिए और डेवलप्ड होते रहिए। थैंक यू।